जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए 20 मार्च 2021 का बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर। तो वीडियो को पूरा अवश्य देखना है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर क्लिक करें ताकि ऑल वीडियो की जानकारी आपके यहाँ तक पहुंचे। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि अन्य लोग भी वीडियो देख सकें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये वीडियो। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड स्लीप डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो ये आपके चार विकल्प देगा है, आंसर बनता है तो आप कमेंट में आंसर जरूर बताएं। तो वर्ल्ड स्लीप डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो आपका सही आंसर विकल्प नंबर एक, मार्च महीने में तीसरे शुक्रवार को, मार्च महीने में तीसरे शुक्रवार को विकल्प नंबर ए राइट आंसर है। हर साल मार्च महीने में तीसरे शुक्रवार को वर्ल्ड स्लीप डे मनाया जाता है, और जो पहली बार मनाया गया था 2008 में। इसके बाद से हर साल जो है मार्च महीने में तीसरे शुक्रवार को वर्ल्ड स्लीप डे मनाया जाता है, और इसका जो मतलब उद्देश्य है, मुख्य उद्देश्य इसका क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है कि लोगों को नींद और सेहत के बीच संबंध के प्रति जागरूक करना है। इसका ये जो है मुख्य उद्देश्य है। और यहाँ पर इस साल विश्व स्लीप डे की जो थीम है, थीम पूछा जाता है आपसे यहाँ पर, तो इस साल क्वेश्चन पूछा जाता है आपका एग्जाम में कि विश्व स्लीप डे की थीम्स क्या है। तो इसकी जो थीम्स है इस साल की, वह रेगुलर स्लीप हेल्थी फ्यूचर आपका यहाँ पर राइट आंसर जो है इसकी थीम्स है। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से किस पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी को जो है वर्ष 2020 के SJA ब्रिटिश स्पोर्ट्स जर्नलिज्म अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो किसको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है, भाई कौन से पूर्व क्रिकेटर खिलाड़ी हैं? तो आपका यहां पर राइट आंसर है माइकल होल्डिंग। माइकल होल्डिंग आपका विकल्प नंबर बी यहां पर सही आंसर। वेस्ट इंडीज के महान क्रिकेटर हैं माइकल होल्डिंग को, और ब्लैक लाइव्स मैटर अभियान के समर्थन के लिए SJA खेल पत्रिका 2020 पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ विशेषज्ञ चुना गया है। होल्डिंग ने पिछले साल इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज के बीच सीरीज के दौरान नस्लवाद के खिलाफ मजबूत संदेश दिया था। उन्होंने कहा था कि आश्रितों के योगदान को इतिहास से उन लोगों ने हटा दिया है जिन्होंने ऐसा इतिहास लिखा है। ये जो है 1970-80 के दशक के वेस्ट इंडीज के भयभीत करने वाले तेज गेंदबाज थे माइकल होल्डिंग। अगला क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन नंबर तीन आपसे यहां पर पूछा है, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर तीन है, चार विकल्प आपके यहां पर दिए गए हैं। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस जो मनाया जाता है वह कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 15 मार्च को। विकल्प नंबर डी आपका यहां पर सही आंसर है। देखिए 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है विश्व भर में। इस अवसर पर उपभोक्ताओं को उनको कंज्यूमर राइट्स अथवा उपभोक्ता अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इस दिवस को मनाने का प्रमुख उद्देश्य है कि ग्राहकों को किसी प्रकार की धोखाधड़ी से बचाना और उन्हें जागरूक बनाना इसका प्रमुख उद्देश्य होता है इस दिवस का, उपभोक्ता अधिकार, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस का, और ये जो है 15 मार्च को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर चार क्या है, हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए किस राज्य से यात्री बस परिवहन बंद करने का फैसला किया है? देखिए मध्य प्रदेश सरकार ने यह फैसला किया है, तो किस राज्य से जो है यहाँ पर परिवहन बस परिवहन बंद करने का फैसला किया है? तो चार का राइट आंसर है विकल्प नंबर सी यानी कि महाराष्ट्र के। महाराष्ट्र आपका सही आंसर है। मध्य प्रदेश सरकार ने कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए महाराष्ट्र से यात्री बस परिवहन बंद करने का फैसला किया है। दोनों राज्यों के बीच 21 मार्च से 31 मार्च तक अंतर्राज्यीय बस सेवाओं पर अस्थायी रोक रहेगी। बता दें महाराष्ट्र में कोरोना का कहर जारी है, और स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से 18 मार्च 2021 को शाम 8 बजे जो है जारी आंकड़ों के मुताबिक 24 घंटों में 25,833 लोग कोरोना से संक्रमित हुए हैं। कहां पर हुए हैं? महाराष्ट्र में हुए हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री मार्क रूटे ने चुनाव में लगातार चौथी बार जीत दर्ज की है? ये किस जो है देश के प्रधानमंत्री हैं मार्क रूटे, और उन्होंने चुनाव में लगातार चौथी बार जीत दर्ज की है? तो क्वेश्चन नंबर पांच का राइट आंसर है विकल्प नंबर डी नीदरलैंड। नीदरलैंड आपका सही आंसर है। नीदरलैंड में प्रधानमंत्री मार्क रूटे ने लगातार चौथी बार आम चुनाव में अपनी पार्टी को जीत दिलाई है। लॉकडाउन के बीच 17 मार्च 2021 को नई संसद चुनने के
लिए वोट डाले गए और रूटे की पार्टी सबसे बड़े दल के तौर पर उभर रही है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या पूछा गया है, तो देखिए राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है, क्वेश्चन नंबर 6 है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपका यहाँ पर पूछा गया है। तो कब मनाया जाता है राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस, तो आपका सही आंसर है विकल्प नंबर बी यानी कि 16 जुलाई को। 16 जुलाई आपका यहाँ पर सही आंसर है, बिल्कुल सही राइट आंसर है। भारत में हर साल 16 मार्च होगा राइट आंसर, 16 मार्च राइट आंसर है, 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस नेशनल वैक्सीनेशन डे के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस पहली बार कब मनाया गया था, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो 16 मार्च 1995 को मनाया गया था। इस दिन भारत में साल 1995 के जरिए पोलियो वैक्सीन की पहली खुराक दी गई थी। भारत से पोलियो को जड़ से खत्म करने का अभियान पल्स पोलियो कैंपेन के जरिए सरकार द्वारा शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन है, देखिए तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या पूछा गया है, किस देश के वैज्ञानिकों ने हाल ही में बैकल झील के अंदर एक बड़ा स्पेस टेलीस्कोप लगाया है, तो कौन जो है ये आपके लिए बताना है, किस देश के वैज्ञानिकों ने ये जो लगाया है टेलीस्कोप, तो रूस, नेपाल, चीन, बांग्लादेश, तो आपका सही आंसर 7 का विकल्प नंबर 1 यानी कि रूस आपका यहाँ पर राइट आंसर है। रूस के वैज्ञानिकों ने हाल ही में बैकल झील के अंदर एक बड़ा स्पेस टेलीस्कोप लगाया है। इस टेलीस्कोप को साल 2015 से बनाया जा रहा था। इसका काम है न्यूट्रिनोस का पता लगाना है, और न्यूट्रिनोस दुनिया के सबसे छोटे कण होते हैं, इनकी निगरानी करना या इनकी मात्रा जानना बेहद कठिन होता है, इसलिए यह टेलीस्कोप लगाया जा रहा है। वैज्ञानिकों ने इस टेलीस्कोप को बैकल GVD नाम दिया है, तो इसको आपके लिए याद रखना है, जो वैज्ञानिकों ने इस टेलीस्कोप का नाम दिया है वह क्या दिया है, तो बैकल GVD आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 आपसे यहाँ पर पूछा गया है, विश्व बैंक ने बांग्लादेश की मदद के लिए कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर की मंजूरी दी है। देखिए विश्व बैंक ने मंजूरी दी है और बांग्लादेश की मदद के लिए, तो कितने अमेरिकी डॉलर की मंजूरी दी है, तो आपका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 8 का आपका राइट आंसर विकल्प नंबर बी 200 मिलियन डॉलर। 200 मिलियन डॉलर आपका सही आंसर है, विश्व बैंक ने बांग्लादेश की मदद के लिए 200 मिलियन डॉलर की मंजूरी दी है। इस राशि का उपयोग निम्न आय वाले शहरी युवाओं को सहायता और सेवाएं प्रदान करने के लिए किया जाएगा, जो COVID-19 महामारी से प्रभावित हुए हैं और प्रवासी जो अपनी नौकरी खो चुके हैं या COVID-19 महामारी के बीच देश लौटना पड़ा है। यह परियोजना लगभग जो है 2 लाख प्रवासियों की मदद करेगी, इससे उन्हें दोबारा प्रवास की तैयारी करने में भी इनको मदद मिलेगी। अगला क्वेश्चन यहां पर पूछा गया है, पिछले वीडियो का चैलेंज प्रश्न है, कोलेरू झील किस राज्य में स्थित है, ये आपको आंसर कमेंट में लिखना था, तो बहुत सारे लोगों ने राइट आंसर लिखा था, क्या लिखा था, आंध्र प्रदेश आपका यहाँ पर सही आंसर था, विकल्प नंबर बी सही आंसर था। थोड़ी सा यहाँ पर पढ़ लेते हैं कोलेरू झील के बारे में, कोलेरू झील जो है एक मीठे पानी की झील है, यह आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में स्थित है। कहाँ पर है ये, आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में। यह अंडाकार छिछली झील है जो वर्षा ऋतु में इसका क्षेत्रफल जो है लगभग 160 वर्ग किलोमीटर हो जाता है। अब यह झील अनेक जो है स्रोतों द्वारा भरती जा रही है। अगला क्वेश्चन है, आज का चैलेंज प्रश्न है आपका, भारत के पारादीप एवं कांडला पत्तन निम्न तट पर स्थित है, यानी कि पश्चिमी तट पर है, क्रमशः पूर्वी और पश्चिमी तट, पूर्वी तट क्रमशः पश्चिमी और पूर्वी तट, ये आपके 4 विकल्प हैं। आंसर अगर आपसे बनता है तो आप कमेंट में आंसर जरूर बताएं क्या होगा इसका सही आंसर, 4 विकल्प आपके दिए गए हैं। तो इस प्रकार आज के वीडियो में बस इतना ही, सभी लोग वीडियो को लाइक कर लें, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर क्लिक करें ताकि ऑल वीडियो की जानकारी आपके यहां तक पहुंचे, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।